विप्रधेनु सुर संतिहिते लीन मनुज अवतार निजी जान निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों के संतों की रक्षा के लिए भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से। महात्माओं का अनुष्ठान नंद बाबा को फलीभूत हो गया। आहा हा 80 साल के डुगरा है गए, आज तक छोरा ना भयो। भई तो ती लाली, लेकिन लाली को रात ही रात में बस देव जी ले गए, लाला को छोड़ गए। लाली को कहां ले गए? कन्या को। लाली को ले गए वहां राजा कंस के पास में। महाराज ये बेटी हुई है। राजा कंस ने उस बेटी को पकड़ा और 8वीं संतति जानकर कहीं ये हमारी काल ना बन जावे, यही हमको ना मार डाले। मारने के लिए जैसे ही पत्थर पर पछाड़ना चाहा तो दुर्गा रूप लेकर के भगवती हाथ से छूट गई और आकाश नवमंडल में पहुंचकर बोली, हे राजा कंस, तुम हमें क्या मारते? तुम्हारा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में अवतार ले चुके हैं। भगवान भक्तों की स्तुति से ही प्रसन्न होते। देखो एक बात याद रखना मेरे पागलो, जरूरी नहीं है स्तुति आप संस्कृत में करो। अच्छा अच्छा देखो बहुत अच्छी बात, क्या भगवान केवल संस्कृत वालों की सुनते हैं? अब जो अंग्रेज हैं क्या उनकी नहीं सुनते? अब उन्हें तो संस्कृत हिंदी दोनों नहीं आती, वो तो हाउ डू यू करते हैं अंग्रेज हैं? वो तो हेलो हाय वाले आदमी। लेकिन क्या उनकी नहीं सुनते भगवान? अगर वो भी भगवान को देखो, भगवान के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं, भगवान की कृपा के लिए भाव की आवश्यकता है। देवताओं ने स्तुति की, जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता। हे भगवान आपकी जय हो, सकल प्राणियों का कल्याण करने वाले ठाकुर जी आपकी जय हो। वे तब भगवान सबको आश्वासन देते और ब्रज में ठाकुर जी अवतरित भए। जिस दिन ठाकुर जी का अवतार हुआ, आहाहा, पूरी रात नंद बाबा अथाई में बैठकर कीर्तन करते रहे। जो मंत्र महात्माओं ने दिया था कि इस मंत्र का जाप करो, मंत्र का जाप करते रहे नंद बाबा के। हे भगवान, मंत्र तो कोई और दिया था पर लाला के प्रेम में ठाकुर जी की आने की खुशी में मंत्र भूल गए नंद बाबा, एक ही मंत्र जपत रहे। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुइए सो का हुइए। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुइए सो का हुइए। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुइए सो का हुइए। जिस दिन ठाकुर जी अवतरित भए तो नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा ने देखा कि भाभी जी अभी तक नहीं जगी, आज बड़ी देर है गई। क्या बात है गो, भाभी ना आए जागी? कछु गड़बड़ है गई का? तबीयत ठीक है कि ना आए? अब वैसे भी अभी बहुत जल्दी घुसी आने वाली है, कहूं ऐसा तो नहीं कछु गड़बड़ी है गई हो। तो जैसे ही सुनंदा बहन ने कमरे में झांक के देखो, आहा, तो क्या देखते हैं कि भाभी जी तो निर्भूल सो रही जसोदा मैया, पर उनके बगल में एक नन्नो सो छोरा हाथ पांव भटकारत भव रो रो है। अरे चिल्ला पड़ी सुनंदा बहन, हे गाओ हे गाओ हे गाओ हे गाओ हे गाओ। तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए, का हे गाओ का हे गाओ? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना है भयो, हां काहे को दिमाग खा रहे हो? अरे अभी तो चिल्लाएंगे हे गाओ हे गाओ। अरे ये सब बाद में सुनना, पहले ये बताओ बाबा कहां है? नंद बाबा? अच्छा वो तो वहां अथाई पर बैठे हैं, अथाई पर। अच्छा चलो तुम लोग रुको, हम अभी आते हैं। भागी भागी सुनंदा बहन नंद बाबा के जहां पे गई, जहां नंद बाबा अथाई पे बैठ के मंत्र जाप कर रही, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई।
इतने में सुनंदा बहन भागी भागी आई, बाबा 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 बाबा, ओ बाबा। अरे बहन तू दौड़ी दौड़ी का यारी का है गो? बाबा वो सब बाद में बताएंगे, पर जे बिला जे बता मुंह को इनाम का मिलेगा। है कोई बड़ी बात? ले ये चाबी ले ले, पूरो सामान मटेरियल तेरो ही है, पर जे बता भयो का। दोनों हाथ उठाकर सुनंदा बहन बोली, बाबा बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो। अब तो बाबा वहीं पे ढुमका लगाने लगे, जय हो महात्माओं की, जय हो जय हो जय हो। तो काऊ ने कहा, बाबा नाच बाद में लेना, पहले जाके महात्माओं को प्रणाम तो कर लियो। हाँ ये बात बढ़िया है भैया, अनुष्ठान भी हो रहा, अनुष्ठान का पूजन करना चाहिए। बाबा भागे भागे गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, जय कालंदी माता। वापसी आए, तैयार होने लगे, श्रृंगार करने लगे। ब्रज को एक नेक छोटो सो छोरा आ गो बम गोकुल को, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारो श्रृंगार बढ़िया सो मेकअप कर दूं। हाँ कर दे लाला, क्या दिक्कत है। बनेक से छोटे से छोरा ने बाबा को बढ़िया रेशमी धोती पहनाए दी, बढ़िया मोटो मोटो रेशमी कुर्ता पहनाए दो, आखन में करिया करिया कारो कारो मोटो मोटो काजल लगाए दो, बाबा की डाढ़ी में मूछन में बढ़िया तेल फुलेल लगाए दो, बढ़िया पाउडर बाउडर लगाए दो, बढ़िया थापक थौआ चंदन थोप दो बाबा को, बढ़िया गले में मोटी मोटी मालऊ डाल दई, बाबा के माथे में बढ़िया पगड़िया उबान दई। आहा हा नैन नेक इत्र फुलेल लगाए के शीशा लेके घड़ो है गो, देखो बाबा। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कपड़ा ठीक करे, धीरे से बोले, लाला जी बता मैं लग कैसो रहो। छोरा बोलो, बाबा सही सही बताऊं या झूठी झूठी? अरे सही सही बता बाबा, इधर कान लाओ जरा। और कान में धीरे से बोले, बाबा ऐसो लग रहो जैसे अबे हाल तेरी शादी हो गए आई हो गए। ऐसी उल्टी सीधी बातें कर, भाग जहां पे। छोरा को भगाए दो महाराज। अब बाबा श्रृंगार करके आए महंतों के पास में, संतों के पास। महाराज बड़ी कृपा भई आपकी, क्या आपकी कृपा से हमारे घर में छोरा हो गया। नंदा स्व आत्मज उत्पन्न जाता मना, आहु ये विप्रान वेदज्ञ महाराज, बड़ो आनंद है गो। अच्छा चलो जल्दी अनुष्ठान करो। अच्छा ठीक है महाराज। महात्माओं ने बढ़िया स्वस्ति वाचन का पाठ किया, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धत्रवाः, स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया स्वस्ति वाचन का पाठ किया। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करो। ध्यान किया बाबा ने, बाबा अब भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ, नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। बाबा बुद्धि तो ठिकाने है हमारा, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, गलती है कहीं। अच्छा चावल चढ़ाओ भगवान पर, नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। बाबा भांग भांग खाके आए हो का? महाराज भांग भांग खाके तो ना आए, बुद्धि ठिकाने ना आए मूरी। काहे गो महाराज, मैं पूजा यहाँ करूं पर मन में भीतर ही भीतर एकदम घूमे कि मोरो छोरा कैसे होएगो, कौन से रंग को होगा, कैसा दिख रहा होगा। बाकी नाक हम पे गई कि जसोदा पे गई, आंखें कारी कारी छोटी छोटी हैं कि बड़ी बड़ी आंकन मारो है। बाबा महाराज मेरे मन में तो छोरा को मुखड़ो घूम रो। अच्छा बाबा हम समझ गए, एक काम करो जल्दी से दान दो, संकल्प करो जाओ। नंद बाबा ने अन्न का दान दिया, गऊ में दान दी, द्रव्य दान दिया, संतों को बारंबार प्रणाम किया, दौड़े दौड़े नंद भवन में आ गए। नंद भवन में आए तो सब गोपियां बोली, देखो महाराज बाबा छोरा को मुंह ऐसो ना देख भी मिले। नंद बाबा बोले, कैसे मिलेगा बाबा, अगर लाला को मुंह देखना है तो नाचने पड़ोगो। नंद बाबा बोले, हम तो आज तक ना आए नचे। एक गोपी बोली, हम सिखा दे, मैं सिखाओ, एक सिर पे हाथ धरो, एक कमर पे रखो, अब लगाओ ठुमका।
अब बाबा लगे ढुमका लगावे, और जहां ढुमका लगाए सो एक गोप ग्वाल मक्खन की मटकी लेकर जा रहा था। बाबा को देखा, बाबा नच रहे, कहीं काऊ की नजर ना लग जाए, सोई मक्खन की मटकी लई और बाबा के ऊपर उड़ेल दई। बाबा को साफ सिंगार फुरुर फुरुर हो गो, ऐसे आंखन पे पहुंचत भाई, फुरुर फुरुर कर दे भाई, हे दारी के जे का करो तेने करू कराओ, सब सिंगार बर्बाद करा दो। तो नंद बाबा जहां नाराज होते दिखे तो गोपियां कहती हैं, बाबा नाराज ना हो, लाला को मुंह देखवे के पहले दधी से स्नान, मक्खन से स्नान करना पड़ता है, ताकि बढ़िया प्रसन्नता में कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखो इस कथा का आशय है कि खुशी के समय अगर कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए तो उसे भी प्रसन्नता में सम्मिलित कर लेना चाहिए। मंगल के समय एकाद अपशगुन भी हो जाए तो उसको भी शुभ मंगल मानना चाहिए, वरना वही दिमाग में भरा रहता है। बाबा ये स्नान करना पड़ता है तब छोरा को मुंह देखना पड़ता है, अच्छा तब तो तेरो भैया बड़ो धन्यवाद, उन्हें बड़ी कृपा कर दी। यशोदा मैया के पास सब गोपियां 86-86 गज की लहंगा पहन करके बधाई दे रही हैं, कौन सी सब गोपियां बधाई दे रही नंद भवन में कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना, जुग जुग जी